मध्य प्रदेश के इंदौर में इन दिनों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा कर रहे हैं। इस बीच फुर्सत के पल मिलते ही उनके जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहे हैं। पहले उनका क्रिकेट खेलते हुए वीडियो सामने आया जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। अब एक और वीडियो बाबा बागेश्वर का वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाबा बागेश्वर को गन्ने का जूस निकालते हुए देखा जा सकता है और लोगों को गन्ने का जूस पिलाते हुए भी आप देख सकते हैं। ये वायरल वीडियो इंदौर के बापट चौराहे का बताया जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने काफिले के साथ जा रहे थे और फिर गन्ने के जूस की दुकान देखकर उन्होंने गाड़ी रुकवाई, फिर गन्ने का जूस खुद ही निकालने लगे और लोगों को पिलाने लगे। देखिए ये पूरा वीडियो। बता दें कि इन दिनों इंदौर के कनकेश्वरी ग्राउंड में बाबा बागेश्वर धाम की कथा चल रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इन दिनों सिद्धिपीठ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जी की श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। MR9 लिंक रोड पर कनकेश्वरी गरबा परिसर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी कहा कि गुरु होने के नाते आज्ञा वो दे रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने नाइट कल्चर को बंद करने के लिए भी एक संदेश दिया। उन्होंने ये बयान दिया कि नाइट कल्चर जो है वो बंद होना चाहिए, इससे समाज को खतरा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी कथा के दौरान ये कहा कि नाइट कल्चर जो है वो बंद होना चाहिए। इंदौर में धार्मिक लोग रहते हैं। इंदौर शहर शिव भक्त माँ अहिल्या की नगरी है। नाइट कल्चर से हमारी संस्कृति पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे जो संस्कृति है उस पर दाग लगा रहा है। इस तरह के कार्यों को तुरंत रोक लगानी चाहिए। अब बाबा बागेश्वर के इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।